ओके शुरू करें अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. बैंकिंग का सेकंड पार्ट है. पहले वीडियो पार्ट में हमने कुछ बेसिक टर्म्स कवर करी हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट. आप ये बेसिक टर्म्स हैं, आपको बार बार न्यूज़पेपर में नज़र आएंगी, आपको इनके बारे में जानना ज़रूरी है. और जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी नाम की क्या चीज़ है आपने सबने फॉलो किया है तो बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशंस. नहीं किया तो गो बैक एंड लर्न अबाउट इट. तो और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है वीडियोस का, कीप इट अप. एंड थोड़ा वीकेंड भी नज़दीक आने वाला है तो जैसे जैसे लेक्चर 5 आएगा, कल विल बी पोस्टिंग लेक्चर नंबर 5, तो लेक्चर 5 के बाद दे विल बी अ टेस्ट. तो अगेन आई रिपीट, जो टेस्ट में बेटर परफॉर्म करेगा, जो बेस्ट परफॉर्म करेगा टेस्ट में, तो दे विल बी सम रिवॉर्ड फॉर द पर्सन. अभी हमें ये भी क्लैरिटी नहीं है हाउ विल वी कंडक्ट द टेस्ट, बट लेट्स सी, विल फाइंड अ वे आउट. पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, वेबसाइट भी अप होने वाली है बहुत जल्दी. तो ठीक है, आगे शुरू करते हैं. इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की. सरकार ने कुछ प्रायोरिटी से डिसाइड किया हुआ है कि इस RBI को ने बैंक्स को हिदायत दी है कि आपको अपने जो क्रेडिट एक्सटेंड करना है उसका कुछ एक हिस्सा तो आपको इन कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स में देना ही देना है, जैसे एग्रीकल्चर, जैसे एक्सपोर्ट, जैसे सस्ते घर बनते हैं गरीबों के लिए, उसमें बैंक्स को हिदायत दी गई है कि आपने उधार देना ही देना है. देन कम्स योर डीमोनेटाइजेशन. RBI ने किया था, ये भी बैंकिंग का ही पार्ट है, जो नोटबंदी हुई थी अभी रिसेंटली. एंड देन इंद्रधनुष प्लान. इंद्रधनुष प्लान क्या है, उसका एक लेटेस्ट वर्जन भी आ गया है, इंद्रधनुष प्लान का 2.0, उसके बारे में बात भी शुरू हो चुकी है, वो भी देखेंगे क्या होता है. एंड देन बाजल नॉर्म्स. बाजल एक जगह है, उसके नाम पर कुछ नॉर्म्स बनाए गए हैं बैंकिंग सेक्टर को गवर्न करने के लिए. देन स्मॉल बैंक्स क्या होते हैं, पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं, UPI क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. और लास्ट में गोल्ड स्कीम्स, इस पर हमारा लेक्चर. एंड मुद्रा पर हम लेक्चर ख़त्म करेंगे. मुद्रा एक हमारे पास अगेन सरकार ने स्कीम शुरू की थी, मुद्रा के नाम से बैंक भी बना दिया सरकार ने, और उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में बात करें, 1970s की बात है. आपको मैं क्विक एक कहानी सुनाता हूँ उसके बारे में. 1970s की बात है कि बहुत सारे बैंक थे देश में, लेकिन वो एग्रीकल्चर को लोन एक्सटेंड नहीं करते थे. तो उसके कारण क्या होता था, एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं होती. सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर कहाँ तक ही लिमिटेड था, सिर्फ अर्बन एरियाज तक लिमिटेड था. जहाँ पर बैंकिंग की रिक्वायरमेंट है देश, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री वॉज डूइंग एग्रीकल्चर, तो उसके लिए कोई लोन ही नहीं देने को तैयार. तो फाइनली सरकार ने क्या किया, सरकार ने RBI को बोला कि आप बैंक्स को ये हिदायत दो. बहुत सारे बैंक्स भी नेशनलाइज किए गए. नेशनलाइज किए गए का मतलब कि सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिए. प्राइवेट बैंक्स को उन्होंने सरकारी बैंक्स बना दिया. 1970s में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अंदर हुआ था ये. तो तभी RBI ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कॉन्सेप्ट भी शुरू किया था. बैंक्स को इसमें हिदायत दी गई थी कि आपने कुछ एक परसेंटेज, अभी ये कितना चलता है, अभी दिस इज 40%, कि जितना भी बैंक उधार एक्सटेंड करेंगे, क्रेडिट, इसको नेट क्रेडिट बोलते हैं वैसे, जितना भी बैंक उधार एक्सटेंड करेंगे उसका 40% हिस्सा शेल गो टू अ फ्यू सेक्टर्स. मैं आपको सेक्टर्स बता रहा हूँ, ये सेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, प्री में पूछे जाते हैं. टोटल वैसे 7 सेक्टर्स हैं, 2 और 3 इसमें कह सकते हैं आप नए ऐड हुए थे 2015 में. प्री में सवाल पूछ सकते हैं, अभी तक नहीं पूछा गया कि लेटली एडेड सेक्टर कौन से हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, जहां पर मैंडेटरी है बैंक्स को अपना 40% क्रेडिट देना ही देना है. पहला है आपका एग्रीकल्चर. एज एक्सपेक्टेड एग्रीकल्चर तो देश में होगा ही होगा, इसको लोन देना मैंडेटरी है. वैसे 18% टोटल लोन्स का, PSL के 40 का भी आगे डिवीजन की हुई है कि 18% तो स्ट्रेट अवे गोज टू एग्रीकल्चर. 18% ऑफ नॉट 40%, 40 में से 18, बाकी रह गया 22%. 22 की भी आगे फर्दर डिवीजन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो आपको मैं बता दिया, बाकी आपको एग्जैक्ट याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. एक तो हो गया आपके पास एग्रीकल्चर, और एक आपके पास हो गया एक्सपोर्ट क्रेडिट. जो अगर कोई कंपनी चाहती है कि एक्सपोर्ट के लिए कुछ काम शुरू करना, देश पैसे कमाएगा एक्सपोर्ट से, फॉरेन इनकम कमाएगा, तो सरकार ने मैंडेटरी किया हुआ है RBI को, RBI ने मैंडेटरी किया हुआ बैंक्स को कि आप एक्सपोर्ट करने वाली किसी भी कंपनी को एक्स्ट्रा आप हेल्प देंगे एंड प्रायोरिटी से लोन देंगे. ठीक है जी. देन कम्स योर एजुकेशन. एजुकेशन लोन्स सारे के सारे नहीं होते, लेकिन कौन से, फॉरेन एजुकेशन लोन्स भी होते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है. कहने का भाव ये है कि जो गरीबों के लिए एजुकेशन है, जो गरीब जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वैसे भी सरकार चाहती है एजुकेशन प्रमोट करना, तो एजुकेशन लोन्स भी
प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होते हैं। तो अगेन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, अगर बैंक ने 100 रुपये उधार देने हैं उसमें से 40 रुपये 40 रुपीज इन सेक्टर्स में जाने चाहिए। अभी और देखते हैं, तीन हुए, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट, एजुकेशन, देन हाउसिंग। हाउसिंग में कौन सी है आपकी, स्मॉल हाउसिंग। ऐसा नहीं है कि मुझे एक आलीशान बंगला बनाना है तो बैंक से लोन लेने जाऊँ, बैंक पे कोई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की फिर कोई कंडीशन नहीं होगी, कौन सी, स्मॉल हाउसिंग पर होगी। ठीक है जी, एंड देन एक है अपने पास और, वैसे अदर्स लिखते हैं अदर्स, तो ये तो कुछ पहले टर्म्स एग्जिस्ट करती थी, उसके पहले अपने पास थी माइक्रो एंटरप्राइज। माइक्रो एंटरप्राइज क्या होती है, आप जाके डेफिनेशन नेट पे चेक करना, छोटी इंडस्ट्रीज को बोलते हैं, बहुत छोटी इंडस्ट्री। इसमें एडिशन कर दी गई है, इसमें क्या कर दिया, माइक्रो भी बात होगी, स्मॉल की बात भी होगी, MSME कहा गया ना इसे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, MSME की बात होगी। ये वाली जो एंटरप्राइजेज हैं इसको भी लोन दोगे तो भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट बन जाओगे, बैंक के टारगेट पूरे हो जाएंगे। एंड देन जो एक और चीज़ 2015 में ऐड हुई है, दैट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रा भी रिसेंटली ऐड हुआ है, स्मॉल एंड मीडियम रिसेंटली ऐड हुए हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, किसी ने स्कूल बनाना है, किसी ने हॉस्पिटल बनाना है, ऐसी चीज़ें जो समाज के लिए बहुत अच्छी हैं तो वो बनाना है, तो अगर वो लोन लेना चाहता है तो बैंक उसको लोन देगा प्रायोरिटी सेक्टर के, क्योंकि बैंक्स के टारगेट पूरे होते हैं। एंड देन लास्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी। मोदी जी दुनिया भर में घूम रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, देश में कुछ लेकर आए सामान, हमने फ्रांस में जाके एक डील भी साइन की है, हमने सोलार एनर्जी के लिए काम भी किया है, सोलर को सोलार बोलते हैं मोदी जी हमारे, तो हैं तो वैसे बड़े प्यारे, चलो कोई बात नहीं। तो रिन्यूएबल एनर्जी को भी अगर बैंक से कोई लोन मांगने आएगा तो बैंक के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट पूरे होंगे। ठीक है जी, तो ये तीन मैं रेड सेंटर लाइन कर रहा हूँ, ये लेटली एडेड थे। ठीक है जी, तो RBI के साइड पर जाके आप चाहें पढ़ना, PSL के बारे में और पढ़ सकते हैं। तो लेकिन मान के चलते हैं, चलो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि मेरे को 100 रुपये उधार देने थे बैंकों में, मैंने 100 रुपये उधार दिए उसमें से, लेकिन 40 रुपये मेरे कहाँ होने चाहिए थे, PSL में होने चाहिए थे, 40 में आउट ऑफ 100 40। तो लेकिन मैंने नहीं दे पाया somehow, मैं 40, मैं लेट्स से सिर्फ 37 दे पाया, तो मेरे 3 रुपये शॉर्ट रह गए। अब मैं क्या करूं, इफ़ देर इज़ अ शॉर्ट फॉल इन PSL, उस केस में क्या करेंगे। बहुत कुछ कर सकते हैं, RBI ने बहुत सारी आपके पास स्कीम्स बनाई है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिफरेंट पेन से। तो RBI ने बोला कि एक नाबार्ड करके भी हमारे पास एक बैंक है, नेशनल बैंक है हमारे पास नाबार्ड, जैसे RBI एक रेगुलेटरी बॉडी है, ऐसे ही नाबार्ड भी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि नेशनल बैंक है। इसका नाम क्या, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। इसके भी एग्जाम्स निकलते हैं, अच्छी जॉब होती है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नाबार्ड एक फ़ंड चलाता है, उसका नाम है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RIDF, रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड, जो गांव में जाके कुछ ना कुछ इंफ्रा क्रिएट करेगा, जैसे पॉन्ड्स बना दिए, जैसे हस्पताल, छोटे छोटे क्लिनिक्स वगैरह, कुछ भी रूरल इंफ्रा की बात हो रही है वो बना दिए। तो उसके लिए फंड बनाता है नाबार्ड। अगर जो ये जो मेरा शॉर्टफॉल रह गया था, मैं एक बैंक हूँ, मैंने को 40 रुपये देने थे 100 में से, लेकिन मैं नहीं दे पाया, मेरा शॉर्टफॉल रह गया, शॉर्टफॉल को मैं कहाँ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, RIDF में। ये प्री में सवाल पूछा जा चुका है। एंड क्या सिर्फ RIDF में, नो, नबार्ड ने कोई भी और फंड बनाया हो, अदर फंड्स बाय नबार्ड, वहाँ भी अलाउड है। ठीक है जी, ऐसे ही हमारे पास स्मॉल हाउसिंग के लिए एक नेशनल हाउसिंग बैंक करके चीज़ है, NHB, स्मॉल हाउसिंग को फाइनेंस करती है ये चीज़, नेशनल हाउसिंग बैंक, उसका कोई फंड हो तो उसमें भी जाके दे सकते हो आप NHB। तो ये नॉलेज ना बुक्स में गिवन नहीं है, थोड़ा सा रिसर्च करोगे नेट पे मिल जाएगी, NHB के किसी भी आप उस पे फंड में डाल सकते हो। ठीक है जी, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए भी बैंक है एक हमारे पास, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI का कोई फंड चल रहा हो, SIDBI के फंड में भी दे सकते हो आप। ठीक है जी, और कोई चीज़, एक और भी चीज़ है हमारे पास, मुद्रा, जो हमारे पास जो छोटी छोटी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो यूनिट्स हैं, मुद्रा इज माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। रीफाइनेंस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, जाके मुद्रा भी बाद में दोबारा पढ़ेंगे, देखेंगे तब भी, रीफाइनेंस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। रीफाइनेंस का मतलब क्या होता है ये अभी जानना ज़रूरी है, जानेंगे। चलो, मुद्रा ने कोई अगर
माइक्रो यूनिट्स, जो छोटे छोटे यूनिट्स के लिए भी हमने एक एजेंसी बना दी मुद्रा, जो इसको मैनेज करने के लिए अगर फंड बनाएगी, उस फंड में आप ऐड कर दोगे तब भी आपका ये शॉर्टफॉल पूरा हो जाएगा, ठीक है जी। एंड एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं चाहता हूँ आपको बताना, वो है हमारे पास, मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेड पेन से, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स, PSLC। ये सर्टिफिकेट्स के स्पेलिंग ही भूल गए, बधाई, ठीक है जी। तो PSL सर्टिफिकेट्स नाम की एक चीज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई है, PSLC। अब ये क्या चीज़ है, ये देखो बहुत ही अच्छा आइडिया RBI का, कि मान लो ये है एक बैंक ए, ये है बैंक बी, दोनों ने अपने 100-100 रुपए में से 40-40 रुपए कंट्रीब्यूट करने थे, और कहाँ पर, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। लेकिन मान लो इस बैंक, ये था ओवर अचीवर बैंक, जो क्लास में टॉपर होते हैं वो वाला टाइप बैंक था, इसने ओवर अचीव कर लिया, 43 रुपीज़ इसने प्रायोरिटी सेक्टर्स की तरफ दे दिए, जो हमने सेक्टर्स देखे थे वहाँ पर चेक किया इसने, वो मैंने तो 43 दे दिए, ये वाला भाई बैठा था बेचारा 37 पे। तो अब RBI कह रहा है कि क्या ये जो एक्स्ट्रा आपने अचीव किया है, जो 3 रुपए, आप अगर इसको ट्रांसफ़र कर दो तो इसका पूरा हो जाएगा, आप तो पहले ही पूरे थे। तो अब आप ये वाला जो बैंक बी है, ये बैंक ए से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स खरीद सकता है, ठीक है जी, PSL सर्टिफिकेट्स खरीद सकता है, कि आप ये 3 रुपए का जो आपने एक्स्ट्रा लोन दे दिया ये प्लीज़ मेरे को ट्रांसफ़र कर दो। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, अगेन मैं उसको डिफरेंट पेन से लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक कंडीशन है, दैट कंडीशन सेज कि जो ये एक्स्ट्रा जो ये आपने लोन ट्रांसफ़र कर दिया, ये बैंक बी भी पूरा हो गया PSL के नाम पे, ये भी ए का भी पूरा चल रहा है PSL नॉर्म्स, तो लेकिन जो ये 3 ट्रांसफ़र कर दिए, क्या पता ये घटिया लोन्स हों, जिसने जिसको लोन दिया गया है, मान लो किसी ऐसे सिक इंडस्ट्री को लोन दे दिया, माइक्रो इंडस्ट्री को, जिसमें पैसे वापस नहीं आएंगे, ए तो ऐसा कर सकता है, एक एक मैंने घटिया लोन दे दिया भाई तू रख ले, है ना, तेरा भी PSL पूरा हो जाएगा, मेरा मैं भी बचा रहूँगा, तो ये नहीं होगा। जब भी कोई PSL सर्टिफिकेट में लोन ट्रांसफ़र हो रहा, ये बात आपको क्लियर हो गई, लेकिन लोन के साथ रिस्क ट्रांसफ़र नहीं होगा, देयर विल बी नो ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क। अगर ये 3 रुपये कल वापस, जो 3 रुपये जो लोन दिया हुआ है वापस नहीं आता, तो ए को इसको पैसे वापस करने पड़ेंगे बी को, कि आपके पैसे भी NPA बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, पैसे वापस नहीं आए, बी जाके बोलेगा ए को, तो ए को पैसे वापस करने होंगे, ठीक है जी। तो बस एक बात इसमें, 100 बातों की एक बात क्या है, कि रिस्क साथ में ट्रांसफ़र नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लोन की अमाउंट ट्रांसफ़र होती है। एक बार अगर इन केस अगर लोन बिकम्स बैड लोन, तो अकॉर्डिंगली इनिशियल बैंक विल पे बैक द मनी, ओके। तो ये अपने PSL के बारे में बात करनी ज़रूरी थी, यहाँ पर देख लिया हमने। नेक्स्ट अब एक चीज़ देखते हैं, दैट इज़ डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन के बारे में आपने बहुत ज्ञान पढ़ चुके हैं, उस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस जब अभी कुछ दिनों में हम प्री से जब अपने बेसिक टर्म से आगे गुजर जाएंगे तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डीमोनेटाइजेशन में आपको बस मैं 2-3 बातें चाहता हूँ बताना, कि क्या ये पहली बार ही हुआ है देश में। देखो देश में बहुत कुछ सरकार हमें बोल रही है पहली बार किया है, हमने पहली बार किया है, पहली बार नहीं किया। अगर आप चाहते हैं जानना, तो 1946 में भी हुआ था ये, लेकिन आज़ाद भारत में नहीं था तब वो, है ना। उसके बाद मोरारजी देसाई सरकार ने भी किया था 1978 में। दोनों ही बार क्या था, रिटोरिक कि ब्लैक मनी ख़त्म करनी है हमें सिस्टम में। ब्लैक मनी ख़त्म हो गई क्या देश में, चलो ये तो इट इज़ अप टू योर इंटरप्रिटेशन, ठीक है जी। 1978 में भी हुआ था। तो आपको प्री में सवाल पूछ सकते हैं कि क्या इज़ इट द फर्स्ट टाइम, नो, दो बार हुआ है। इंडिपेंडेंट इंडिया में भी एक बार हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। तो वैसे अगर आपको जानना है तो डीमोनेटाइजेशन में क्या करता है, जो लीगल टेंडर नहीं होंगे मित्रों, लीगल टेंडर होना करेंसी नोट बंद कर देते हैं, कि जिस भी नोट को बोला गया कि RBI अब इसको लीगल नहीं मानेगा, जो कोई इसको कैरी करेगा वो इलीगल कहलाएगा। तो बस यही बात है, दैट्स इट, कि इलीगल हो जाएंगे वो नोट अगर आप कैरी कर रहे हो। तो इमेजिन करो ना, मान लो कि आप कल एक पर्ची बना लो और एक पर्ची पे लिख दो कि ₹1000 और नीचे अपने साइन कर दो कि हाँ जी साइन कर दिए, जाके दिखा देना इसको किसी भी दुकान पे, आपको 1000 रुपये मिल जाएंगे। तो आपने क्या कर रहे हो, आप एक पैरेलल एक सिस्टम बनाने की ट्राई कर रहे हो, एक पैरेलल करेंसी बनाने की ट्राई कर रहे हो। सरकार को तो ये बात अलाउड ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम कौन बना सकता है पैरेलल करेंसी, सिर्फ RBI बना सकता है, या फिर जो
एक लीगल गवर्नमेंट बना सकती है, आप नहीं बना सकते। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि अगर आपने कैरी किया तो आप इलीगल काम कर रहे हो, द वे जो आप पर्ची पे लिख के अगर आप अपना नाम साइन करके दोगे तो वो लीगल टेंडर नहीं होगा। चलो इस पर बहुत ज़्यादा बात करेंगे बाद में एक मेंस के वीडियो में, अभी इस पर आते हैं। इंद्रधनुष प्लान, ये अपना एक बहुत ही मेजर प्लान सरकार ने अनवेल किया, और जैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट बहुत सही हर चीज़ में गाना बना देती है, इंच टू माइल, बी टू बी, नए नए, ऐसे भी इंद्रधनुष प्लान के भी काफ़ी कीवर्ड बनाया सरकार ने। इंद्रधनुष में 7 कलर, तो इसमें भी 7 ही रंग है, ए बी सी डी ई एफ जी। अब ए का मतलब क्या है, बहुत ही आसान मतलब है, ए का मतलब है अपॉइंटमेंट्स। ये बैंकिंग के रिफॉर्म करने के लिए आया है, इंद्रधनुष प्लान किस लिए आया है, बैंकिंग के रिफॉर्म के लिए। यहाँ लिख देता हूँ बैंकिंग रिफॉर्म, कि बैंक के सिस्टम को थोड़ा बदला जाए, बहुत टाइम से बैंक्स में कोई रिफॉर्म नहीं हुआ, तो उसको रिफॉर्म करने के लिए सिस्टम बनाया गया। पहला कहते अपॉइंटमेंट्स को ही बदलना पड़ेगा, कि अपॉइंटमेंट्स को बदलने के लिए क्या करें, अभी एक पोस्ट होती है बैंक में, एक पोस्ट कहलाती है सीईओ की पोस्ट और एक होती है मैनेजिंग डायरेक्टर की, अभी एक ही इंसान इसको होल्ड करता है बहुत सारे बैंक्स में। तो ये इंद्रधनुष प्लान में क्या क्या आया कि इसको अलग अलग करो। सीईओ क्या करेगा, डेली ऑपरेशंस के बारे में काम करेगा, कि कैसे बैंक को एफिशिएंट बनाया जाए, कि किस तरह से बैंक में एफिशिएंसी ऐड की जाए। तो एमडी क्या करेगा, एमडी देखेगा कि शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट क्या सही देखा जा रहा है, जो शेयर होल्डर हैं बैंक में, जो शेयर होल्ड करते हैं, क्या वो बेस्ट उसके इंटरेस्ट में काम हो रहा है, कि कहीं बैंक ऐसे काम तो नहीं कर रहा कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ या फिर जो वैल्यू है वो डिटेरियोरेट हो रही हो। तो बस सीईओ और एमडी को वो कह रहे हैं सेपरेट कर दो आप, ठीक है जी। तो एक पहला पॉइंट आपने देखा, और ये वैसे अगर आपको जानना हो ये कौन सी कमेटी ने कहा था, ये कहा था पीजे नायक कमेटी, पुअर जोक नायक कमेटी, नो इज अ ब्रिलियंट गाय, और ये अपने ये हेड भी कर चुके हैं बहुत सारे बैंक्स को, और अदर एक्सिस बैंक के भी शायद ही हेड थे। तो ब्रिलियंट गाय, गवर्नमेंट जनरली अपॉइंट्स वेरी ब्रिलियंट पीपल टू वेरी इंपॉर्टेंट कमेटीज, एंड ही वॉज वन ऑफ देम। तो इनके काफ़ी सारे जो पीजे नायक कमेटी है आपको पूछा जा सकता है ये बहुत सारे एग्जाम्स में, जैसे सीएपीएफ वगैरह में, एपीएफसी वगैरह में। पीजे नायक कमेटी किसके लिए आई थी आपको बताना चाहिए, बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए आई थी, एंड पर्टिकुलरली इसमें इसने अपॉइंटमेंट्स की बात की थी, ठीक है जी। मूविंग अहेड, बी से, बी स्टैंड्स फॉर बैंक बोर्ड्स ब्यूरो, बैंक बोर्ड्स ब्यूरो। अभी बैंक बोर्ड्स ब्यूरो क्या चीज़ है, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की एक अपॉइंटमेंट कमेटी है, एक सरकारी अपॉइंटमेंट कमेटी होती है जो डिसाइड करते हैं कि बैंक में कौन बनेगा नया हेड, और अपने अपने बंदों को बिठा देते हैं वो। तो अपॉइंटमेंट कमेटी को हटाएगी और एक बीबीबी बनेगा, वो डिसाइड करेगा कि कौन होगा बैंक का हेड, और कैसे बैंक बहुत सारे, नॉट ओनली अपॉइंटमेंट, बहुत सारे चीज़ों पे बैंक की हेल्प करेगी, और जैसे और बैंक की क्या मदद कर सकती है, ये बैंक को बताएगी कि कैसे बैंक के जो लोन्स ख़राब हो जाते हैं, जो बैड असेट्स बन जाते हैं, बैड असेट्स के साथ क्या किया जाए। और अच्छा जी, ये बैंक को बताएगी कैसे आप और पैसे कमा सकते हो, फंड्स कहाँ से ला सकते हो, जो बैंक को अपने लोगों को उधार देने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, कि कैसे कैपिटल रेज कर सकते हो, कैसे फंड्स रेज कर सकते हो, और इसके जैसे जो भी अलावा एक आपको इम्पॉर्टेंट बात यहाँ जानने ज़रूरी है, जो कि है कि बीबीबी इवेंचुअली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बैंकिंग होल्डिंग कंपनी। ये प्लीज़ साथ में नोट करते रहो, क्योंकि ना ये बहुत ही, देखो मैंने बहुत टाइम से मेहनत की है, बहुत सारे नोट्स इकट्ठे किए हैं, उसका ये एक समरी दे रहा हूँ आपको मैं। आप नेट पे जाके बहुत सारे धक्के खाओगे, तो उस धक्कों को मैं कम करने के ट्राई कर रहा हूँ, बस दैट्स इट। साथ साथ नोट करते चलो। ये कह रहा है कि बीबीबी क्या बनाएंगे, अल्टीमेटली हम बीएचसी बना देंगे, बैंकिंग होल्डिंग कंपनी बना देंगे इसको हम। तो अब ये बैंकिंग होल्डिंग कंपनी नाम की क्या चीज़ आ गई, तो देखो बैंक होल्डिंग या बैंक होल्डिंग कंपनी, तो बैंक होल्डिंग कंपनी का मतलब है कि जितने भी जो सरकारी जो इन्वेस्टमेंट है इन वेरियस बैंक्स, जैसे एसबीआई में सरकार 51% अपना जो शेयर होल्ड करती है, ऐसे ही कुछ पंजाब नेशनल बैंक में होगा, ऐसे ही कुछ और ए बैंक, बी बैंक, सी बैंक, जो बहुत सारे बैंक्स में सरकार की शेयर होल्डिंग है बहुत सारी, ये सारा का सारा शेयर होल्डिंग जो सरकार का उठाकर एक बीएचसी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ताकि ये ऐसा करना क्यों चाहते हैं, बीएचसी को ट्रांसफ़र करना, क्योंकि गवर्नमेंट बिना बात के इंटरवीन करती है,
गवर्नमेंट इंटरवीन करती है जब, क्योंकि बैंक की ओनर है, बैंक्स की ओनर है गवर्नमेंट, तो इंटरवीन करने से वो अपनी पॉपुलिस्ट पॉलिसीज फेवर कर देती है कि आप यहाँ लोन माफ़ी कर दो, चलो आप यहाँ पे ये कर दो वो कर दो। अब वो कह रहे हैं कि सरकार की डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होगी, बैंकिंग होल्डिंग कंपनी को सारी सरकारी शेयर दे दिए जाएंगे। अब BHC ही इन्वेस्ट करेगी, या फिर आप देखोगे SBI में 51% स्टेक किसका है, BHC का होगा। उसके बाद PNB में लेट्स से 60% स्टेक किसका है, BHC का, नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट BHC। तो BHC डायरेक्टली इंटरवीन, जो सरकार डायरेक्टली इंटरवीन नहीं कर पाएगी, तो असम्पशन क्या है यहाँ पर, BHC के होने से पॉपुलिज्म बैंक्स में कम होगा और बैंक्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है जी, पॉजिटिव नेगेटिव हैं। तो RBI इसके थोड़ा सा खिलाफ है, RBI इज़ नॉट स्ट्रिक्टली इन फेवर ऑफ इट। इसका एक बेसिक रीज़न क्या है, वो कह रहे हैं बेसिक रीज़न यही है कि आपने बैंक ए भी डाल दिया, बैंक बी डाल दिया, सी डाल दिया। ए और बी तो बहुत अच्छे बैंक से, सी घटिया बैंक है। सारे के सारों के शेयर आपने BHC को दे दिए। अब मार्केट में जो लिस्ट हुई है वो BHC लिस्ट हुई है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। अब मुझे, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे जो शेयर खरीदना, मैं इंडिविजुअली SBI का शेयर नहीं खरीद सकता, इंडिविजुअली PNB का शेयर नहीं खरीद सकता, इंडिविजुअली बैंक इसका नहीं शेयर खरीद सकता, तो मुझे BHC का ही शेयर खरीदना पड़ेगा। तो क्योंकि सभी बैंक्स के मैंने शेयर उठा के मर्ज कर दिए यहाँ पर BHC में, तो मुझे तो सिर्फ ए और बी के शेयर आ गए मेरे से, चलो अच्छी बात है, लेकिन मुझे सी का नहीं चाहिए था, सी घटिया बैंक है, मुझे नहीं चाहिए था, परफॉर्म नहीं करता कुछ, तो लेकिन मुझे खरीदना पड़ेगा। तो RBI की क्या एक एप्रिहेंशन था कि BHC के आने से इन्वेस्टर्स थोड़े से शायद नाराज़ हो जाएं, क्योंकि सभी बैंक्स इक्वली एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं करते, इक्वली वो रिवॉर्डिंग नहीं है, उनमें पोटेंशियल इक्वल नहीं है। तो इसीलिए इन्वेस्टर के पॉइंट से आप देखो तो इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। तो लेकिन गवर्नमेंट पॉपुलिज्म भी कम करना है, तो अकॉर्डिंगली BSE होगा। आप शायद जाके थोड़ा रीड करना, एक हमारे पुराने CAG थे, कॉम्प्ट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल एंड ऑडिटर जनरल, सॉरी CAG थे विनोद राय, जाके देखो अभी रिसेंटली क्या कर रहे हैं, गो एंड फाइंड आउट विनोद राय, तो देन मे बी रीड अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट सी स्टैंड्स फॉर योर कैपिटलाइजेशन। देखो ये ना पर्टिकुलर सिर्फ मैं ABCD इसीलिए उठाया मैंने ताकि आपको मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें समझा दूँ। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हमने जैसे बैंक इमेजिन किया था, ये होता है बैंक में लोग पैसे डालते हैं, लाइबिलिटी साइड लोगों को आगे उधार देता है बैंक, असेट साइड, असेट क्यों, क्योंकि बैंक पैसे कमाएगा यहाँ से, लायबिलिटी क्यों, क्योंकि बैंक को पैसे वापस करने। तो क्या सिर्फ यही एक सोर्स है, लायबिलिटी ही सिर्फ सोर्स है बैंक के पास, जनता की जो सेविंग्स हैं जो जिसको आगे असेट में कन्वर्ट करेगा? नो, बैंक में कैपिटल भी तो आ सकता है। कैपिटल मतलब जो ओनर्स का पैसा, जो ओनर पैसा लगाएं। मैं कोई कंपनी स्टार्ट करता हूँ, मेरा भी कुछ पैसा लगा होता ना, जैसे मैंने बैंक स्टार्ट किया तो RBI की रेगुलेशन है 500 करोड़ रुपया कम से कम आपको लगाना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं कैपिटल। बहुत सारे बैंक्स में तो सरकार ही ओनर है, तो सरकार को इसमें कैपिटल डालना चाहिए, तो वही बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट को भी पैसा डालना चाहिए, कैपिटलाइजेशन करनी चाहिए। और लेटेस्ट जो डेटा क्या आ रहा है, लेटेस्ट डेटा सेज कि 70,000 करोड़ रुपीज गवर्नमेंट डालेगी ताकि बैंक ढंग से कैपिटलाइज्ड रहें, ताकि बैंक ढंग से उनमें एडिक्वेट पैसा अवेलेबल हो, एडिक्वेट मनी अवेलेबल हो। और क्योंकि मान लो कल अगर बुरा वक्त आ गया, एसेट सारे खराब हो गए, कोई एसेट काम नहीं कर रहा, जैसे आप देख रहे हो अभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनते जा रहे हैं, एसेट्स परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उस केस में बैंक का तो दिवाला निकल गया, जो पैसे आगे दिए थे वापस ही नहीं आए, तो जनता पैसे मांगने वापस आ गई, अब क्या करें? तो भाई अब काम आएगा कैपिटल, जो ओनर्स ने पैसा लगाया हुआ था वो काम आएगा। तो इसलिए सरकार ने एस्टिमेट लगाया है 70,000 करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट है, आप ऐड करोगे। रिक्वायरमेंट RBI के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा की है, कुछ 1.5 लाख करोड़ के आसपास की है, लेकिन सरकार कह रही है अभी तो हम 70,000 करोड़ डाल सकते हैं, वो हम डालेंगे ग्रेजुअली। ठीक है जी, तो कैपिटल इज़ ओनर्स मनी, लाइबिलिटी इज़ जो औरों ने लगाया हुआ है, तो कैपिटलाइजेशन करनी है। एक और मैं आपको यहाँ पर चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ यहीं पर ही, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है आगे के चैप्टर्स के लिए, वो है अपनी बाजल नॉर्म्स, BASEL। बाजल नॉर्म्स क्या होते हैं, ये आप ऐसे इमेजिन करो, चलो बाजल नॉर्म अभी आगे देखेंगे आगे, क्योंकि कैपिटलाइजेशन जब पढ़ेंगे और डिटेल में तब देख लेंगे, अभी मैं थोड़ा छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह भी हमारे पास थोड़ी कम रह गई। देन कम्स डी इज़ फॉर डी स्ट्रेसिंग। बैंक में कह रहे हैं कि स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, थोड़ा स्ट्रेस कम करते हैं। स्ट्रेस बढ़ गया का मतलब क्या हुआ कि अब जो हमारे पास
जो बैंक ने उधार दिए थे आगे, जो ये असेट्स थे ये बन गए नॉन परफॉर्मिंग। पैसे दिए 100 रुपये कि 110 वापस आएंगे, 100 भी वापस नहीं आए, ये भी चले गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गए। तो अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट के साथ क्या किया जाए? मेजरली जो बैंक्स ने उधार दिया जो वापस नहीं आया, वो कहाँ की बात हो रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इंडिया का बहुत ही बीच में टाइम आया था, बुरे हाल हो गए थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को के साथ कैसे क्या बर्ताव किया जाए, छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए? तो वही बात हो रही है कि कैसे बैंक्स के एनपीए को, जो स्ट्रेस लेके आते हैं बैंक में, इसको कैसे डी स्ट्रेस किया जाए, तो उसकी बात हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको नई नई तरह से, हमारा पूरा एक चैप्टर, पूरा एक हम दिन लगाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कुछ, तो शेड्यूल में जाके आप जाके देख सकते हैं शेड्यूल में कि क्या इंफ्रा में क्या क्या कवर करना है हमने। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक चैप्टर है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रुक गया देश का, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम रिवाइव करना चाहते हैं, आरबीआई ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपनीज ने क्या किया, सब हम देखेंगे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो बस ओवरऑल आइडिया क्या है इंद्रधनुष प्लान में, कि डी स्ट्रेस करना है हमें अपने पूरे बैंकिंग सेक्टर को, ताकि एनपीएस ना बने। नेक्स्ट कम्स योर ई। ई इज फॉर ज़बरदस्ती एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट बहुत बढ़िया। एम्पावरमेंट किसको? बैंक्स को एम्पावर करना है हमने, बैंक्स की एम्पावरमेंट करनी है, ताकि जिस भी इंसान को चाहें अकॉर्डिंगली अपने रूल्स के हिसाब से बंदों को भर्ती कर पाएँ, ऐसा ना हो कि कोई डिक्टेट कर रहा हो। थोड़ी सी मैन पावर को लेके ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाए, कि जिसको जब जैसे रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंगली हायर कर लिया जाए। मैन पावर हायरिंग के लिए ऑटोनॉमी देने की बात हो रही है। मुझे ये नहीं पता कि वैसे आप साथ साथ में नोट करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखते हैं आप, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि साथ में नोट करते रहो, क्योंकि बहुत सारे ये नोट्स जो अपने जो कॉपी किताब कुछ भी खोल के रखो यार साथ में, मतलब नोट करते रहो, तो इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस। और क्योंकि बार बार थोड़ी ना जाके नेट पे पढ़ोगे इसको साथ में, क्योंकि क्लास में भी मैं एग्जैक्टली सेम पढ़ाता हूँ, यहाँ भी सेम पढ़ा रहा हूँ आपको, तो कुछ मिस नहीं कर रहे आप। रादर हम, मेरी जो अटेम्प्ट क्या रहेगा कि हम थोड़ा ओवर प्रिपेयर करें, हम एक्स्ट्रा प्रिपेयर करेंगे, एग्जाम में कॉन्फिडेंटली जाते हैं। एंड पर्टिकुलरली आई हैव बीन गेटिंग वेरी गुड मार्क्स इन GS3, तो GS3 पे थोड़ा मेरा ग्रिप है। जो एक बार तो मैं आपको थोड़ा अगर एग्जाम्पल बताऊँ, 205 नंबर का पेपर अटैम्प्ट किया था, 148 मार्क्स आए थे, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा सा लाइक पुट योर ट्रस्ट इन मी, थोड़ा सा पुट योर फेथ। मेंस के मार्क्स वैसे इंडिकेटर हो भी सकते हैं किसी की ग्रिप के, नहीं भी हो सकते, तो लेकिन एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा ओवर प्रिपेयर करें। ओके, देन कम्स योर एफ। एफ स्टैंड्स फॉर फ्रेमवर्क। अब देखो पूरा करना था, इंद्रधनुष बना दिया किसी ने, तो फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि कैसे, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी को किसी के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना, ठीक है जी, कैसे हम अकाउंटेबल ठहराएं बैंक्स को, कि अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, बुरा करें तो इनको पनिशमेंट भी होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ इन्होंने क्या बनाया है इसके लिए, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी के लिए KPIs बनाए। KPIs बहुत ही कॉमन टर्म होती है हमारी इंडस्ट्रीज़ में। KPI इज़ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर डिसाइड किया कि आपको इतना प्रॉफिट अचीव करना है, आपको इतनी एफिशिएंसी अचीव करनी है, इतना ये इतना वो। अगर आपने अचीव कर लिया तो हम आपको अच्छा रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, अचीव नहीं किया तो यू विल बी पनिश्ड। अच्छा परफॉर्म करोगे तो यू विल बी गिवन मोर कैपिटल, कैपिटल और मिलेगा, नहीं अच्छा परफॉर्म करोगे कैपिटल नहीं मिलेगा, जूझते रहना, ठीक है जी। तो अकाउंटेबल ठहराने का भी प्रोसेस शुरू किया गया है। हमारे देश में अकाउंटेबिलिटी बहुत बुरी तरह से मिसिंग है, कि अभी मैं आपको यहाँ पर ना इको सर्वे का बहुत ही अच्छा एक आपको वर्ड सुना रहा हूँ। इको सर्वे एक बहुत ही एक इफेक्टिव एक फ्रेज़ यूज़ करता है, कि जैसे हमारे देश में वो कह रहे हैं अभी तक गरीबी क्यों चल रही है, अभी तक कह रहे हैं हमारे देश में भुखमरी क्यों है। वो बोलते हैं कि इसका ना बहुत सारा रीज़न पॉलिटिकल भी है, कि पॉलिटिकल रीज़न कैसे, कि हमारे जो पॉलिटिशियंस थे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो हमें वेट करनी पड़ती थी 5 साल, कि आफ्टर 5 ईयर्स हम इनको बाहर निकाल के फेंक पाएंगे। 5 साल हमें उनके साथ रहना पड़ता था। तो वो क्या कह रहा था कि 5 साल तक हम कुछ नहीं कर सकते थे, हम उनको अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते थे। 5 साल बाद अकाउंटेबिलिटी का मौका मिलता है वोट करने के लिए, तो वो बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ करता है उसके लिए। वो बोलते हैं कि इट वॉज वॉट, 5 साल वाला इज़ एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी, कि एपिसोड्स में, टुकड़ों में, एकदम से तो कुछ सालों बाद दौरा पड़ता है हमें, कि चलो आज इस सरकार को हम अकाउंटेबल ठहराएं, फिर भूल जाते हैं 5 साल। हम भूल जाते हैं क्या, हमारे पास टूल्स ही अवेलेबल नहीं है, हमारी डेमोक्रेसी के पास ऐसे टूल्स ही अवेलेबल नहीं थे कि जहां पर हम उनको अकाउंटेबल ठहराएं। तो
अकाउंटेबिलिटी हमारी क्या बन गई, इको सर्वे बोलते हैं एपिसोडिक बन गई। बहुत ही अच्छा वर्ड है डेमोक्रेसी का, जब आप कभी लिखो क्रिटिसिज्म उसमें लिख सकते हो कि इंडियन डेमोक्रेसी सफर्स फ्रॉम एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी। ओके मूविंग अहेड, लास्ट अपने पास जी आ गया, दिस इज व्हाट, दिस इज गवर्नेंस रिफॉर्म्स। देखो अब डी के आगे सब घटिया पॉइंट्स ही आ रहे हैं लेकिन हमें लिखने तो है ही है पेपर में। गवर्नेंस रिफॉर्म्स, गवर्नेंस रिफॉर्म्स का मतलब क्या हुआ कि हम ऐसे मैकेनिज्म्स बनाएंगे जिससे हमारे बैंक्स बहुत ढंग से गवर्न रहें, बहुत अच्छे गवर्न हो, बहुत बढ़िया। तो इसके लिए सरकार ने एक चाय समोसा पार्टी भी करी जिसका नाम रखा गया ज्ञान संगम। ज्ञान संगम पे आपको सवाल पूछ सकते हैं प्री में, व्हाट इज़ ज्ञान संगम, आपने बताया ना ज्ञान संगम कुछ नहीं है जी, चाय पकौड़े खाए थे और बहुत सारे बैंकर्स आए, डिसाइड किया कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आरबीआई के साथ बैठाया गया उनको, गवर्नमेंट भी बैठी हुई थी वहाँ पर, और सोचा गया कि अब क्या करें आगे, कैसे हम डी स्ट्रेसिंग करें, कहाँ से कैपिटल लाएँ, बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या करेगा, अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे, सो ऑन सो फोर्थ। तो ज्ञान संगम नाम की एक चीज़ भी हुई जहाँ पर लोगों ने बैठ के विचार विमर्श किया। ठीक है जी, बधाई। अब इंद्रधनुष प्लान तो आपको बात समझ आई, अब इंद्रधनुष 2.0 क्या आ गया। तो 2.0 बहुत ही लेटर फिनोमेना है, 2017 में इसको अनवेल किया गया सरकार ने और अभी इतना अखबारों में नहीं आ रहा। तो इसका एक जो मेजर फोकस है दैट इज़ ऑन रीकैपिटलाइजेशन, कि भाई जल्दी जल्दी करो, कैपिटल के बारे में आपने बात की थी लेके तो आई नहीं, रीकैपिटलाइजेशन करो। क्यों रीकैपिटलाइजेशन, क्यों क्यों पैसा डाला जाए बैंक में। वो कह रहा है कि एक बाजल नॉर्म्स नाम की कोई चीज़ की डेडलाइन नज़दीक आ रही है, बाजल नॉर्म्स हमें पूरे करने हैं, उसकी डेडलाइन नज़दीक आ रही है, जल्दी से पैसा डालो। अब बाजल नॉर्म्स क्या होते हैं, मैं आपको बाजल नॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। बाजल हमें एक टर्म बताता है, बाजल पहले है क्या चीज़, व्हाट इज़ बाजल। बाजल एक जगह का नाम है स्विट्ज़रलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में एक छोटा सा कस्बा है उसका नाम बाजल है, वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम है BIS। BIS की अभी आज की डेट में कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन जैसे ITC करके एक कंपनी सुनी है आपने, ITC उसकी आज की डेट में कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन एक वक्त हुआ करते ही, पहले इंपीरियल टोबैको कंपनी थी फिर इंडियन टोबैको कंपनी होगी, आज की डेट में ITC डज नॉट हैव अ फुल फॉर्म, वो कह रहे हैं बस हम ITC हैं। ऐसे ही BIS की आज की डेट में कोई फुल फॉर्म नहीं है। BIS की पहले फुल फॉर्म क्या थी, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये मतलब क्या हुआ, जब आपने शायद, मैं आपको वैसे ये यूजलेस हिस्ट्री का एस्पेक्ट लेकिन थोड़ा मज़ा आता कहानी सुनने में, तो जब World War I ख़त्म हुई, ट्रीटी ऑफ वर्साइले हुई, ट्रीटी ऑफ वर्साइले में क्या डिसाइड किया गया कि जो हमारा जर्मनी था वो पैसे पे करेगा फ्रांस को, एंड बाकी जो जितने जो कंट्री जो जीत गई जर्मनी को रेपारेशन पे करना। रेपारेशन क्या होता है कि हम आपकी, भाई हमें नुकसान किया आपका, सॉरी हमने आपसे जंग लड़ी, हम आपके सबको सामान रिपेयर करा देंगे, रेपारेशन बोलते हैं उसको। तो जर्मनी ने रेपारेशन पे करना था फ्रांस एंड ऑल, तो किसके थ्रू करेगा, जर्मनी कहते हैं, उसके लिए बैंक क्रिएट किया गया, उसका नाम था BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। फिर उसके बाद जर्मनी ने पैसे देना बंद कर दिया, फिर BIS बेचारा ऐसे ही पड़ा रहा डिसफंक्शनल सा, स्विट्ज़रलैंड में था, बाजल में हेडक्वार्टर थे। अब उसको फिर दोबारा रिवाइव किया गया 1960s में। अभी है क्या बाजल में जो ये बैंक है BIS, ये बैंक नहीं है, ये सेंट्रल बैंक्स का बैंक है। सेंट्रल बैंक्स का बैंक मतलब जैसे मान लो इंडिया से RBI चला गया, USA से फेडरल रिजर्व आ गया, इंग्लैंड से बैंक ऑफ इंग्लैंड आ गया, मान लो जापान वाला बैंक ऑफ जापान आ गया, जैसे चाइना पाकिस्तान जो भी मेंबर होंगे इसके, ये सभी के मेंबर्स यहाँ पहुँचे, जो जितने भी कंट्री के सेंट्रल बैंक से इन सब के मेंबर यहाँ पहुँचे बैठे, 60 कंट्री के आसपास अभी मेंबर हैं BIS की। ये क्या बन गया, BIS सेंट्रल बैंक्स का सेंट्रल बैंक बन गया। ठीक है जी, सेंट्रल बैंक करता क्या, पॉलिसी बनाता है। ये कह रहा है कि अब सिंस देखो दुनिया सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, USA में रिसेशन आया, इंडिया में भी असर पड़ा, चाइना में भी असर पड़ा, USA में बैंक्स कोलैप्स हुए, ग्रीस में असर पड़ा उसका। वो कह रहा है कि ऐसी दुनिया में कोई भी चीज़ अब अछूती नहीं रह गई है बैंकिंग सिस्टम में, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल वर्ल्ड में। तो आपको इसलिए हमें एक सेंट्रल एक बैंक की रिक्वायरमेंट तो है ही, जो कि इंश्योर करे कि दुनिया भर में सिमिलर पॉलिसीज़ यूज़ हो रही हैं, दुनिया भर में सिमिलर पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, ताकि या फिर आज ऐसी पॉलिसीज़ बन रही हैं जिसमें कंसेंसस है, सब मिल बांट के काम करना चाहते हैं, ताकि एक दुनिया की एक जगह की चीज़ दूसरी जगह को एडवर्सली रैंडमली इम्पैक्ट ना करे। ठीक है जी, ऐसी पॉलिसी बनाई जाए। तो उसके लिए कहाँ बैठ के बनाते हैं, ये कहाँ चाय पकौड़ा पार्टी होती है, BIS में होती है। ठीक है जी, तो अब BIS ने बोला कि ये वेरियस नॉर्म्स निकालता है, बाजल 1 आए थे कुछ, फिर बाजल 2 आए, अब जिसकी बारी है वो है बाजल 3। ये थर्ड सेट
ऑफ नॉर्म्स आ गए हैं। 2009 में एक क्राइसिस हुआ था, 2008-2009 में फाइनेंशियल क्राइसिस बोलते हैं उसको, दुनिया में आया, यूएसए में शुरू हुआ, उससे बहुत दुनिया में फाइनेंशियल वर्ल्ड ख़राब हुआ। तो उसके बाद उन्होंने बाजल 3 अनाउंस किया था, अब हमें कुछ नया करना चाहिए और हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि हम एडिक्वेट कैपिटल तो हमेशा लेकर चलें, कि ऐसा ना हो कि कल ओहो बहुत ही बुरे हाल हो गए सारी स्टॉक मार्केट में, यहाँ वहाँ ऐसा वैसा रिसेशन आ गया तो बैंक को भी अब हमें बंद करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। भाई बैंक बंद होते हैं तो बहुत नुकसान होता है, कंपनीज रिलाई कर रही थी बैंक्स पर कि बैंक्स उन्हें लोन देते रहेंगे एंड कंपनीज काम करती रहेंगी, कंपनीज पे बहुत सारे घर बन रहे थे, ठीक है, बैंक्स पे के लोन पर घर बन रहे थे, बैंक बंद हो गया घर कैसे बनेंगे, सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। तो इसलिए फिर ये इंश्योर करना कि बैंक्स कोलैप्स ना हो तो बाजल 3 नॉर्म्स का जन्म हुआ, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी। ये कैपिटल एडिक्वेसी में आपको मैं दो टर्म जानने जरूरी हैं, एक है टीयर वन कैपिटल, टीयर वन ये बिल्कुल कोर कैपिटल है, कोर कैपिटल कि अगर मुसीबत की घड़ी में अगर बैंक के सारे एसेट बिक जाएं तो हमारे पास तब भी इतना कैपिटल तो अवेलेबल होगा कि हम काम चला सकें। तो बाजल नॉर्म क्या बोलते हैं कि आपको इतना तो कुछ एक परसेंटेज, जो परसेंटेज हमारे लिए अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ एक परसेंटेज रखा है उन्होंने, 14-15-20% जो भी रखा, 18%, तो वो इतना परसेंट तो आपको अपने टोटल लायबिलिटीज़ का हमेशा ही संभाल कर रखना है। टीयर वन कैपिटल कहा गया, इसको कोर कैपिटल भी कहा गया, कि इतना कैपिटल तो आपको संभाल के रखना है हमेशा। देन देर इज टीयर टू कैपिटल। टीयर टू होता है कि ठीक है, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप अगर बैंक बंद हो भी रहे तो बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, मिनिमाइज ना हो, और जो लॉसेज वगैरह हो रहे हैं इन और उनको एब्जॉर्ब करने की शक्ति हो बैंक में, ताकि डिपॉजिटर्स वगैरह के पैसे वापस हो जाएं। टीयर टू ये वाइंडिंग अप के वक्त काम आएगा, कि अगर वाइंडिंग अप हो रही है तो काम आएगा, ये काम आएगा कि अगर शॉक्स आ रहे हैं, शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो टीयर वन तो बिल्कुल कोर है, और ठीक है जी, तो और ताकि टीयर वन होने से क्या होगा, बैंक अपने आप को चला पाएगा मुसीबत वक्त के दौरान भी, और ट्रेडिंग रुकेगी नहीं, ठीक है। तो ये टीयर वन टीयर टू इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एडिक्वेसी एक रेशो होती है और इस रेशो को बाजल 3 में बताया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाजल नॉर्म्स आपने देखे अभी। अब नेक्स्ट एक टर्म जो इस वीडियो में हमने कवर करनी है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि सबका साथ सबका विकास वाली बात ही है, कि सभी लोगों को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एंड व्हेन आई से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, सभी को मिलने चाहिए। देखो भाई, आप इमेजिन करो कि गाँव में नहीं पहुँचते, अभी शहर के लोग, जो हमारा ये आइडिया है STP क्लासेस का, ये आइडिया भी तो थोड़ा सा इंक्लूसिव आइडिया ही चाहते हैं बनाना इसको, कि जो शहरों में तो कोचिंग्स इतनी awesome मिल रही हैं, बुक्स नोट्स सब कुछ इतने अवेलेबल हैं, गांव में कौन पहुंच रहा है, और वो लोग गांव में कैसे आएंगे आगे। एक हमारे सोशोलॉजी के थिंकर हैं पियर बॉर्दू बोलते हैं कि, वैसे ही आपको रैंडमली कोट कर रहा हूँ, वो बोलते हैं कि देर इज़ अ कल्चर ऑफ एक्सीलेंस। वो कह रहे हैं कि अमीरों के तो घर में ही कल्चर किसका है, एक्सीलेंस का। कहते हैं उनके बच्चों के पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज हैं, और ऊपर से घर में कल्चर भी किसका, एक्सेल करने का। पेरेंट्स पूछते रहते हैं आज कितना किया, क्या किया, कुछ नोट्स तो नहीं चाहिए, अच्छा इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपको यहाँ से पढ़ा दें, यहाँ से कर दें। तो कल्चर ही उनका ऐसे बना हुआ है। इमेजिन करो कि एक बहुत पुअर किसी इंसान की बात हो रही है, लेट्स से रिक्शा पुलर और समथिंग, तो उनके बच्चे घर में स्कूल में पढ़ के भी वापस आएंगे घर में, कोई पूछने वाला नहीं होगा कि आपने कोई ये कॉन्सेप्ट समझ आया फिजिक्स का, ये कुछ समझ आया लेट्स से सोशोलॉजी का, कोई पूछने वाला नहीं होगा। और घर में उन्होंने कभी एक्सेल करते किसी को देखा भी नहीं है, तो उनको पता ही नहीं होगा कि कैसे कॉम्पीट करें। आप इमेजिन करो, आप सब लोग तैयारी कर रहे हो, शायद वेल ऑफ फैमिली से भी हो गए, तो आप सबके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, उसके बावजूद आप इमेजिन करो कि UPSC कितना इंटेंस है, कितना कॉम्पिटिटिव है ना, कितना मुश्किल है, कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिवनेस कितनी ज़्यादा हाई है। और इमेजिन करो अब एक इंसान जिसको पता ही नहीं एक्सेल करना होता क्या है, हाउ विल ही और शी एवर सक्सीड। तो इंक्लूजन तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इंसान को अपना पोटेंशियल रियलाइज़ करवाने के लिए। तो यहाँ पर हमारी बात किसकी हो रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या होता है कि मेरे पास एक्सेस है। आपको मैं यहाँ पे एक ना सुप्रीम कीवर्ड दे रहा हूँ, इंक्लूजन के बारे में बात करनी हो तो AAA लगा देना, कभी भी इंक्लूजन के बारे में बात करनी हो, किसी भी चीज़ का आपके पास AAA होना चाहिए। AAA इज़, वैसे हमने डिसाइड किया था कि हम मेंस वाले वीडियोस में ही आपको ये कीवर्ड्स देंगे, लेकिन चलो एक आधा याद आता रहेगा, मैं आपको कीवर्ड्स बताता रहूँगा। जुगाड़ बोलते हैं इसको हम, और आपको बहुत हेल्प करता है ये आंसर राइटिंग करने में, स्ट्रक्चर अच्छे बन जाते हैं आपके इससे, ठीक है जी। तो अच्छा, पहला ए इज़ अवेलेबिलिटी,
कि कोई भी चीज़ की जो बात हो रही है क्या वो आपके पास अवेलेबल है. देन कम्स योर एक्सेसिबिलिटी. आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, आपको बहुत सही क्लियर हो जाएगा ये. इमेजिन करो आपकी आपने एलपीजी गैस जो सिलेंडर खरीदना है, एलपीजी सिलेंडर. तो एलपीजी सिलेंडर का एग्जांपल बहुत ही सही एग्जांपल बन जाता है कि कैसे, कि क्या आपके शहर के आसपास वो अवेलेबल है. हाँ जी बिल्कुल जी, एक सामने स्टोर है वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है जी, अवेलेबिलिटी तो है. तो लेकिन क्या वो एक्सेसिबल है कि वहाँ जा सकते हो आपके, आपको लेट से कि बहुत सारे हमारे जो रिसोर्सेज हैं कहीं पर, जो सरकारी रिसोर्सेज को अवेल करने के लिए औरतें जा ही नहीं सकती, लोअर कास्ट जा ही नहीं सकते, ठीक है जी. ओके नहीं जी, यहाँ भी कोई टेंशन नहीं, एक्सेसिबिलिटी भी है. फाइनली क्या आप इसको अफोर्ड कर सकते हो, अफोर्डेबिलिटी, ठीक है जी. अब बैंक की बात करें, क्या आपके शहर में बैंक अवेलेबल है. हाँ जी बैंक तो अवेलेबल है. एक्सेसिबल है, नहीं 25 किलोमीटर दूर है. ओहो अच्छा, अब वहाँ पर चले भी गए तो उनके सर्विसेज वगैरह वो इतना फीस चार्ज करते हैं, करते हैं, करते हैं. अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल पे भी सवाल उठ गया. तो इंक्लूजन के लिए आपको ट्रिपल ए तो देना ही पड़ेगा अगर आपको किसी को इंक्लूड करना है. अब अगेन कमिंग बैक टू द बेसिक पॉइंट कि क्या क्या फाइनेंशियल सामान इंक्लूड करवाना है आपको. बेसिक बेसिक चीज़ें, सेविंग अकाउंट, भाई मेरे पास पैसे इकट्ठे हो गए मैं कहाँ जमा कराऊँ, बैंक ही नहीं है तो मेरे को गद्दों के नीचे रखने पड़ते हैं, सेविंग अकाउंट. अच्छा मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए मुझे उधार चाहिए, क्रेडिट. मैंने कुछ सामान खरीदा, मेरे को पता नहीं कल चोरी ना हो जाए, कुछ ख़राब ना हो जाए, इंश्योरेंस. मेरी फसल, मुझे उसकी टेंशन रहती है, इंश्योर करा दो प्लीज़. वेदर हमारे देश में वैसे ही इतना मुसीबत भरा है, ठीक है जी. और ऐसे बेसिक बेसिक चीज़ें कि क्या मैं, मेरे पे पैसे आ गए तो मैं उसको, मेरे पास क्या फाइनेंशियल एडवाइस अवेलेबल है कि मैं इसको बेस्ट कहाँ लगाऊँ, स्टॉक मार्केट में लगाऊँ, क्या लगाऊँ, ठीक है जी. मेरे पास मैंने पैसे कमा लिए, घर पैसे चाहता हूँ भेजना, कि क्या मेरे पास कोई रेमिट करने का, रेमिटेंसेज भेजने का कोई तरीका है, रेमिट करने का नहीं है, ये भी नहीं है. मेरे पास यहाँ दिल्ली बैठ के मान लो है मेरे पास, लेकिन घर में, घर है मेरा बिहार में, बिहार में तो नहीं है, अब मैं क्या करूँ. तो ये है, अगर ये तो बेसिक से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इमेजिन करने आसान है. ये सब जब आप हर एक सिटीज़न को देना शुरू कर देंगे तो आप बोलोगे आपकी कंट्री इज़ फाइनेंशियली इंक्लूसिव कंट्री. इंडिया वैसे काफ़ी फाइनेंशियली इंक्लूसिव होता जा रहा है बिकॉज बेस्ड ऑन आईटी. अब फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए, जिसमें से एक स्टेप का नाम है आपके पास क्या, स्मॉल बैंक्स. स्मॉल बैंक्स के बारे में पढ़ना ज़रूरी है. स्मॉल बैंक्स वैसे क्या होता है, स्मॉल बैंक इज़ नॉट अ ऐसे कि छोटा बैंक नहीं है. बैंक तो काम सारे करता है, इट डज़ ऑल द ऑपरेशंस, काम सारे करेगा कि इंश्योरेंस भी बेचेगा, सब कुछ करेगा ना, सेविंग अकाउंट भी खोलेगा. लेकिन बस यही है कि इनिशियली इसका एरिया, इनिशियली ऐसे देखो मेंशन है वेबसाइट पे क्या कहते हैं वो, कि एरिया ऑफ ऑपरेशन पे भी कोई लिमिट नहीं है. लेकिन इनिशियली इन पे क्या लगाया गया कि आपने कि जो बेसिक जो आपने जो सर्विसेज देनी है वो लो इनकम ग्रुप को देनी है. आपने लो इनकम ग्रुप आप फोकस करो, विद टाइम आप एक्सपैंड कर लेना बड़े इनकम ग्रुप में भी. इनिशियली तो आपको लो इनकम ग्रुप को ही देनी है, स्मॉल बिजनेसमैन को देनी है, फार्मर्स को देनी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को देनी है, ठीक है जी. तो लेकिन बाकी CRR, SLR ये वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स इन पे वैलिड हैं. कोई किसी तरह की एग्जम्पशन नहीं है CRR, SLR से कि स्मॉल बैंक है हमें प्लीज़ मत बोलो ये, नहीं नहीं सब सब करना है इनको. बस एक वही है कि स्मॉल बैंक का कि थोड़ा इनिशियली एरिया ऑफ ऑपरेशन में थोड़ा छोटा होगा. मान लो कि बैंक है आपका सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद बेस्ड बैंक है, सिर्फ अहमदाबाद में ऑपरेट करता है, बाकी सब जगह नहीं है, ठीक है जी. या फिर सिर्फ और सिर्फ आपका बैंक ओनली कैलकटा बेस्ड बैंक है, ठीक है. तो स्मॉल एरिया ऑफ ऑपरेशन स्मॉल है एंड लो इनकम ग्रुप को कैटर करता है, लेकिन ऐसे कोई उस पर वो नहीं है कि बंदिश नहीं है कि सिर्फ यही करना है. विद टाइम यू कैन एक्सपैंड. ओके मूविंग ऑन, स्मॉल जो के बाद है अपने पास नेक्स्ट है पेमेंट बैंक. पेमेंट बैंक बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था. पेमेंट बैंक व्हाट इज़ इट से, देखो पेमेंट बैंक का अदरवाइज जो प्राइमरी एजेंडा है दैट इज़ रेमिटेंसेस. आपको पैसे घर भेजने हैं, पैसे घर रेमिट करने हैं, उसके लिए पेमेंट बैंक्स का सिस्टम बनाया गया. तो अब इसका मतलब क्या हुआ, रेमिटेंसेस का मतलब कि अब और ना देखो पेमेंट बैंक को कैसे आप समझ सकते हो कि ये आपने जो अभी रिसेंटली सुना होगा जैसे एयरटेल मनी करके जो नए नए वोडा मनी पता नहीं क्या क्या, और इवन की जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल पेटीएम, ये सभी क्या हैं आपके पेमेंट बैंक्स हैं. दिस ऑल आर पेमेंट बैंक्स. अब ये पेमेंट बैंक्स को भी क्या CRR SLR पूरा करना है, हाँ जी बिल्कुल पूरा करना है. तो इन पे कोई
कोई पाबंदी है, एक पाबंदी है पेमेंट बैंक पर, जिस पे वैसे प्री में सवाल पूछ चुके हैं, वो है कि ये उधार नहीं दे सकते, दे कैन नॉट गिव क्रेडिट। ठीक है जी, क्रेडिट सवाल क्या पूछा था उन्होंने, क्या पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है? अगर हमने बेसिक सी बात जानी हो कि क्रेडिट नहीं दे सकते तो क्रेडिट कार्ड किस बात का इशू करेंगे, उधार नहीं दे सकते ये। ठीक है जी, तो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, ये 2016 के प्री में पूछा गया था। ठीक है जी, ओके। तो अब यहाँ पर आपका और में कोई ऐसी बात जानने वाली, हाँ जी एक बात और जानने वाली है कि इनको जैसे मान लो मैंने ए, मैंने पैसा घर भेजना है अपने लेट्स से फादर को बी, मैंने 1000 रुपये जमा करा दिए लेकिन फादर ने सिर्फ विड्रॉ किए लेट्स से 200 रुपये, उनको लगा कि बाकी पेटीएम या जिसमें भी पड़े रहने देते हैं 800 रुपये पड़े हुए हैं अभी भी मेरे बैंक में पेटीएम के खाते में, तो अब इन पे मैंडेटरी है कि इनको जो भी इनके पास पड़े होंगे सेविंग्स, इसको 75%, ठीक है जी, जितनी भी इनके पास सेविंग्स पड़ी होंगी इनको 75% सरकारी सिक्योरिटीज़ में ही लगाना है। ठीक है जी, जो भी सेविंग पड़ी है उसको 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्ट करना है। छोटी छोटी बातें आप प्लीज़ साथ साथ नोट करते रहो, प्री में काम आती हैं, मेंस में इतना काम नहीं आएंगे, प्री में आएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर सरकारी बिल्स, जो भी सरकारी चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, ये पेटीएम या फिर पेमेंट बैंक्स वालों पर पाबंदी है। देन यूपीआई बहुत ही सिंपल सिस्टम है। यूपीआई क्या है कि आपने एक इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफ़र एक सर्विसेज बनाई हुई है, जो कि आपने एक ऐप बना दी, एक ऐप से दूसरे, जैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना है थ्रू एन ऐप, इंटरनेट का यूज़ करके यूपीआई का सिस्टम यूज़ हो रहा है वो, तो और मतलब बहुत ही एक इसमें आपका एक मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आ जाता है जो कि आपको यूनिक है आपके लिए, वो आप एक बैंक से दूसरे बैंक ट्रांसफ़र करो, कभी आप जाके मोबाइल पर चेक करना यूपीआई, उसके बारे में आप एक बार उसको यूज़ कर लोगे, अपना अकाउंट नंबर देना पड़ता है, आपका मोबाइल नंबर देना पड़ता है और दैट्स इट, आपका एक यूनिक आईडी आ जाता है, उस यूनिक आईडी को आप डालते रहो, आपका बैंक अकाउंट से जुड़ जाएगा वो, तो जिसमें जहाँ ट्रांसफ़र करना है करते रहो। ठीक है जी, तो बड़ा ही सिंप्लीफाइड सिस्टम कर दिया, क्योंकि हमें अब क्या बनानी है अपनी सोसाइटी कैशलेस। कैशलेस होना तो मुश्किल है लेकिन हाँ लेस कैश तो हो ही सकती है, कैशलेस नहीं हो पाएगी, लेस कैश हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब काम की बात आई गोल्ड स्कीम, गोल्ड स्कीम क्विकली कवर कर रहे हैं। गोल्ड स्कीम में क्या करने की ट्राई है, गोल्ड स्कीम में आपने इंडिया में वैसे ही लोगों को बुखार हो जाता है, ओह सोना 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 मुझे चाहिए सोना, तो सरकार को लगा कि इतना सोना देश हमारा कंज्यूम करता है, देश में सोना तो कहीं निकलता नहीं है, सब सोना बाहर से मंगवाना पड़ता है, बाहर से सोना मंगवाएंगे तो हमें बाहर जिस भी कंट्री से मंगवाएंगे उसको डॉलर्स में पेमेंट पे करनी पड़ेगी। भाई लेकिन डॉलर्स हम सोना मंगवाने में क्यों पे करें, सोने से कौन सा हमारी कोई गाड़ियाँ चलेंगी या हमारे कुछ फर्टिलाइज़र बनेंगे, सोना सिर्फ और सिर्फ फालतू का सामान है, अपनी तिजोरियों में पड़ा हुआ है और कुछ हमारे देश को फ़ायदा नहीं दे रहा, उल्टा क्या कर रहा है, हमारा इंपॉर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज खा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज जिससे हमने ऑयल खरीदना था, फॉरेन एक्सचेंज जिससे हमने फर्टिलाइज़र का सामान खरीदना था, फॉरेन एक्सचेंज जिससे हमने कुछ और एनर्जी टेक्नोलॉजी कुछ न्यूक्लियर फ्यूल खरीदने थे, वो गोल्ड खा गया। तो है ना, अब क्या करें, सरकार कहती है कि अच्छा जी आपको गोल्ड चाहिए क्यों, सबसे पहली बात तो जनता से पूछा गया, जनता कहती इन्फ्लेशन, भाई इतनी महंगाई है आपकी 10-10%, बैंक में पैसा डालता हूँ 100 रुपये, उसके मुझे सेविंग अकाउंट में या हद से हद मेरी FD में 8% मिलता है, 100 की चीज़ 106 या 108 बन पाती है, बैंक में मैंने पैसे डाले 100 रुपये वो बन पाए 106, जो लेकिन जो चीज़ थी मार्केट में 100 रुपये की, महंगाई चल रही है 10%, वो 110 की हो गई, तो भाई मेरे आज तो मैं उसको खरीद सकता, अगर मैंने बैंक में डाल दिया गलती होगी मुझसे, अब 110 की होगी, मैं खरीद ही नहीं सकता। तो इसीलिए लोग कहते हैं हम तो गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, जितनी इन्फ्लेशन बढ़ती है साथ साथ सोना महंगा होता रहता है, हमारे पास कुछ सेविंग है हम तो बैंक में नहीं डालेंगे, हम वी विल पुट इट इन गोल्ड, तो हमें गोल्ड चाहिए। अदरवाइज़ भी हमारे कल्चर की भी बहुत एफिनिटी है, हर मैरिज सेरेमनी कुछ वगैरह में हर जगह गोल्ड बहुत ही होता है यूज़, दिवाली पर लोगों को कुछ फिर से पागलपंती छाती है, जाके लोग सोना खरीदना शुरू करते हैं, जैसे भी है कल्चरल एफिनिटी अपार्ट इन्फ्लेशन इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस पीपल इन्वेस्ट इन गोल्ड। तो सरकार को लगा कि आपको भाई एक काम करो, आपको सोना खरीदना है ना, सोने आपको अप्रिसिएशन मिलती है जो भी मिलता है जैसे मिलता है, तो एक काम करते हैं हम आपको कुछ सरकारी स्कीमें देते हैं,
सरकारी स्कीमों में आप इन्वेस्ट करो, सोने जैसा आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे सबसे पहली स्कीम सरकार ने जो चलाई, चलो वो है एक गोल्ड बॉन्ड स्कीम। देखो मैम, बॉन्ड जब भी वर्ड यूज़ होगा, बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड इज़ लॉन्ग टर्म, या फिर बॉन्ड इज़ उधार, डेट को बोलते हैं। बॉन्ड इज़ डेट, उधारी है। तो आप कह रहे हैं कि चलो एक काम करो, गोल्ड बॉन्ड स्कीम चला देते हैं। कि मैं इसको हटा दूँ? हाँ जी, हाँ। गोल्ड बॉन्ड स्कीम में क्या चाहते हैं करना, कि सरकार कह रही है कि अच्छा जी, आपको मान लो 1 लाख रुपए का सोना खरीदना था, तो आप 1 लाख रुपए का गोल्ड मत खरीदो, हमसे गोल्ड बॉन्ड खरीद लो, ठीक है जी। कल ये मान लो ये सोना 1 लाख की बजाय, मान लो आपने जितना भी बना, मुझे नहीं पता कितना ग्राम बना, मान लो 20 ग्राम सोना बना, ठीक है जी। तो 20 ग्राम सोना बना, इसकी कीमत आज थी 1 लाख, लेकिन कल देखा जाके आपने मार्केट में सोने की कीमत हो चुकी है 1,20,000, ठीक है जी। तो कह रहे कोई बात नहीं, आपको अब फिज़िकल गोल्ड नहीं मिलेगा, है ना। फिज़िकल गोल्ड कहते, वैसे भी आप घर में रखते हो तिजोरियों में, आपको टेंशन रहती है, तो फिज़िकल गोल्ड नहीं मिलेगा आपको, पेपर गोल्ड मिल रहा है। दिस इज़ पेपर, आपके कागज़ पर लिखा हुआ है कि इस इंसान के नाम 20 ग्राम सोना किया जा रहा है, सरकार इसको अपने स्टाम्प लगा के दे रही है, ठीक है जी। 20 ग्राम सोना इतने का हो जाएगा, इतना ले लेना, इतना इतने का हो जाएगा, इतना ले लेना। बस आपको फिज़िकल गोल्ड नहीं मिल रहा, आपको पेपर गोल्ड मिल रहा है। वाई कीप गोल्ड इन योर सेफ्स एंड बी वरीड अबाउट इट? तो कहते हैं आप इसको चुपचाप रखो, एंड अप्रिसिएशन भी मिलती रहेगी। प्लस सरकार बोलती है, इफ़ इट, अगर आपको ना थोड़ा सा और लुक्रेटिव बनाना, कि मान लो कि आपको लग रहा नहीं, मुझे तो घर में सोना चाहिए, एक बिस्किट होना चाहिए सोने का, एक सिक्का होना चाहिए सोने का, कहते हैं आपके लिए थोड़ा और लुक्रेटिव बनाए थे, आपको जो ये अप्रिसिएशन मिल रही थी तो मिलेगी मिलेगी, प्लस हम आपको कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट भी पे करेंगे। 1 लाख रुपये पर सरकार 3% के आसपास, पता नहीं जितना परसेंट भी था, 1% के आसपास जो भी सरकार आपको एक्स्ट्रा भी पे करेगी। तो डबल बेनिफिट हो गया, एक तो अप्रिसिएशन मार्केट में, और एक इंटरेस्ट भी मिल गया मार्केट में। तो पहली थी गोल्ड बॉन्ड स्कीम, दूसरी सेकंड स्कीम कम्स टू बी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपने ऐड देखी होगी वो वाली, पता नहीं कौन सा पुरम गोल्ड, मल्लापुरम, मन्नापुरम गोल्ड, तो एक वो वाली स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आपने देखी होगी। वो उसमें क्या होता है कि सोना लाओ घर से अपना और उसकी वैल्यू पाओ। तो वो सरकार भी यही बोल रही है कि अपने घर से सोना निकाल कर लाओ, उसको मोनेटाइज करवा लो, उसको मनी में कन्वर्ट करा लो, एंड टेक बैक मनी, कैश ले जाओ। जो आपका जो आइडल घर में जो वेला पड़ा हुआ है गोल्ड, उस गोल्ड को आप यूज़ करो, ठीक है, ताकि आप देश को भी कुछ गोल्ड दे पाओगे। तो लिखो, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम वॉज नेवर फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल ने तो अपने कुछ गहने बनवाए हुए एंड ऑल। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का एक जो मेजर ड्रॉबैक था वो क्या था, कि गोल्ड को पिघलाकर वो उसकी वैल्यू निकाली जाएगी। तो मैंने तो अपने गहने बनाए हुए, मैं क्यों पिघलवाने के लिए दूंगा? इसलिए इट वॉज नेवर टारगेटेड ऑन इंडिविजुअल्स, इट वॉज टारगेटेड ऑन गोल्ड विच इज़ देयर विथ टेम्पल्स, जो मंदिरों में गोल्ड पड़ा है हजारों टन, उसको मोनेटाइज करवाने के लिए सरकार चाहती थी। सरकार कहती है आपके पास तो फालतू पड़ा हुआ है, हमें यहाँ पे रखो, इसके बदले का पैसा ले लो और हमें ये गोल्ड मिल जाएगा, हम इसको जनता में इसको पिघला पिघला के दे सकते हैं, हमें बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगा। आइडिया अच्छा था लेकिन पिक नहीं किया। एंड देन थर्ड वॉज गोल्ड कॉइन स्कीम, कि गोल्ड के कॉइन पर आपने अशोक का एम्बलम लगा दिया, जो हमारा एम्बलम भी है सारनाथ पिलर वाला, गोल्ड कॉइन स्कीम, ये भी हमारी पिट गई। कि गोल्ड कॉइन स्कीम पर अशोकन एम्बलम तो कौन खरीदेगा, उस पर वैष्णो देवी का कुछ लगाते या फिर कोई फ़ोटो छापते भगवान की तो बहुत बिकता हम श्योर। थोड़ा सरकार भी थोड़ा दिमाग कम लगाती है, तो अशोकन एम्बलम वाला कॉइन मैं क्या करूँगा उसका, ठीक है जी। कोई दिवाली पे पूजा भी नहीं कर सकते उसकी। तो इसीलिए तीन स्कीम आई। यूपीएससी ने आपको 2015 में सवाल पूछा था गोल्ड स्कीम्स के, आपको डीमेरिट्स बताने थे। इट्स अ सेपरेट क्वेश्चन फॉर मेंस, विल अटेम्प्टेड इन वन ऑफ द वीडियोस। तो गोल्ड स्कीम्स के डीमेरिट्स, ठीक है जी। तो तीन याद रखना आप हमेशा, बॉन्ड स्कीम, मोनेटाइजेशन एंड कॉइन स्कीम, ठीक है। लास्ट अपने पास आज का टॉपिक आ गया मुद्रा। बहुत ही लंबा वीडियो हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट लेकिन ये चैप्टर्स कुछ इतने इंपॉर्टेंट हैं, यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल पेपर में, क्योंकि अखबार में आपको रोज़ आते रहेंगे, आपको टर्म समझ आएंगी, ओनली देन यू विल थैंक मी, अदरवाइज़ तो आपका 1 घंटा लगा दिया मैंने आज। अच्छा जी, और ना प्लीज़ क्या लास्ट तक वीडियो देखते हो? आई हैव नो आइडिया कि कोई लास्ट तक वीडियो देख भी रहा है कि नहीं देख रहा, तो शायद अगर देख रहे हो तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो दैट यू वॉचिंग वीडियो टिल द एंड, क्योंकि बहुत मेहनत मार रहे हैं हम यहाँ पर आपके लिए वीडियोज़ बनाने में, तो थोड़ा सा वो पॉजिटिव फीडबैक आता है तो इट रियली है ना हेल्प्स मोटिवेट पीपल। यहाँ पर टीम अच्छा काम करती है।
तो अच्छा मुद्रा बैंक, मुद्रा की फुल फॉर्म आपको मैंने बताई, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। अब यहाँ पर मैं आपको देखो माइक्रो यूनिट्स की तो बात समझ आई, इसको डेवलप करवाना चाहते हैं वो, एंड रीफाइनेंस इसका मतलब क्या हुआ, मैं इस पर चाहता फोकस करना। देखो बहुत सारी ना ऑलरेडी छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, जैसे जो माइक्रो यूनिट्स को फाइनेंस कर रहे हैं, माइक्रो यूनिट्स के लिए पैसे दे रहे हैं, लेकिन अब ये इंस्टीट्यूशन इतने छोटे होते हैं कि अगर इनके पास खुद का सिर्फ 2 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, 2 करोड़ रुपए में से 1.5 करोड़ चला गया, 50 लाख रह गया सिर्फ, तो 50 लाख बेचारे किसको दें किसको ना दें, इनके खुद के पास पैसे बहुत कम होते हैं। तो कह रहे हैं सरकार कह रही थी हम एक काम करते हैं, हम एक ऐसी एजेंसी बनाते हैं मुद्रा जो इनको भी पैसे देगी। ये जो बहुत सारे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस थे, इंस्टीट्यूशन 1, 2, 3 जो आगे माइक्रो यूनिट्स को पैसे दे रहे हैं, हम इनको पैसे देंगे। तो रीफाइनेंसिंग एजेंसी है, प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना, आप शायद इस पे फोकस नहीं करते हो। तो ये देखो देश में ना जो बहुत सारी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ में ही जनरेट हो रही है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में जनरेट हो रही है। तो उनको रीफाइनेंस, उनको पहले फाइनेंस करवाना ज़रूरी है, फिर इनको रीफाइनेंस करवाना ज़रूरी है। तो इसलिए ये मुद्रा डायरेक्टली लोन नहीं देगा MSMEs को या फिर माइक्रोज को, डायरेक्टली लोन नहीं देगा, किसको लोन देगा, ये इंस्टीट्यूशंस को जो ऑलरेडी लोन दे रहे हैं, एंड इनके लिए पॉलिसी बनाएगा इन इंस्टीट्यूशंस के लिए कि कैसे आप बेस्ट प्रैक्टिसेस कर सकते हो, किस तरह से अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हो, एंड कि इन कस्टमर्स को भी चूना ना लगे, इनको भी लूटा ना जाए, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई ना चार्ज किया जाए, तो इन इंस्टीट्यूशंस पे भी चेक लगाया जाएगा रेगुलेटरी बॉडी। तो मुद्रा सभी कुछ है। मुद्रा के ना आपको जो बातें याद रखनी है, इसने 3 तरह के लोन डिवाइड किए हैं, एक है शिशु, ये वर्ड याद रखना शिशु, ये है 50,000 से छोटे लोन, देन कम्स योर किशोर, किशोर है 50,000 से 5 लाख रुपए तक के लोन, 50 से 5 लाख तक के किशोर लोन, एंड देन कम्स तरुण। आपसे पूछा जाए शिशु किशोर तरुण कौन सी स्कीम का पार्ट है, आप बताओगे मुद्रा स्कीम का पार्ट है, ठीक है जी। 5 लाख से लेके 10 लाख, 10 लाख अपर लिमिट है, मुद्रा इसके ऊपर फाइनेंस रीफाइनेंस नहीं करेगा, ठीक है जी। ओके तो ये हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं इसको, एंड बाकी थोड़ा सा साथ दो एंड कमेंट करो, अगर लास्ट तक किसी ने देखा है वीडियो तो बहुत बधाई है आपको, थोड़ा मुझे भी बधाई दे देना, कमेंट करना येस वी वॉच इट टिल द एंड, थोड़ा अच्छा लगेगा सुनकर। बाकी मिलते हैं जल्दी, अभी हमारे पास बैंकिंग के 2 वीडियोस और हैं, अगला वीडियो आएगा NPAs का, NPA बहुत ही मेजर देश का मुद्दा बन चुका, नाक में दम कर दिया सरकार के, तो देखते हैं कैसे उसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है, मिलते हैं जल्दी, थैंक्स अ लॉट एंड कीप वॉचिंग।